किन्नौर जिला के पुरनी गांव में भीषण आगजनी ने कई लोगों के सपनों पर पानी फेर दिया है और कुछ लोगों को कभी ना मिटने वाले जख्म दिए हैं। इस आग की घटना में एक दर्जन से अधिक परिवारों के आशियाने उजड़ गए। भीषण आगजनी में करोड़ों की संपत्ति भी जलकर राख हुई है। इस आग को बुझाने में ग्रामीणों की हर संभव कोशिश के साथ रिकांगपियो में फायर ब्रिगेड, होमगार्ड, आईटीबीपी सहित आर्मी ऑर्डिनेंस यूनिट 136 ओएमपी शोंगथांग की टीम का भी योगदान अस्वर्णीय रहा। अगर ये संयुक्त प्रयास सूझबूझ और तेजी से शुरू ना हुए होते तो पूर्णी गांव का एक बड़ा हिस्सा जिसमें मंदिर भी शामिल था इतिहास बनकर रह जाता। इस दौरान जिला प्रशासन भी वहां मुस्तैद नजर आया। आज भी उजड़े आशियानों से कई बार आग सुलगती नजर आती है। लोग दिन भर आज भी आग बुझाने में जुटे रहे ताकि फिर से आग सुलग कर दूसरे घरों में ना पहुंच सके। उधर प्रशासन ने भी मौके पर पहुंचकर प्रभावितों को राहत एवं जरूरी सामान वितरित किए हैं। एसडीएम कल्पा डॉक्टर मेजर अवनिंद्र शर्मा ने बताया कि देर रात तक घटनास्थल पर सेना, पुलिस तथा अन्य बचाव दल आग पर काबू पाने में लगा रहा। उन्होंने कहा कि इस भीषण आग पर काबू पाने के लिए जहां आर्मी सहित फायर ब्रिगेड के आधुनिक उपकरणों का योगदान रहा तो वहीं आज भी आग सुलगती रही जिसे बुझाने के लिए प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान की जा रही है। पुरवणी गाँव में भीषण अग्निकांड हुआ था जिसमें लगभग 12 के करीब जो है घर जो है वो पूरी तरह से जल गए थे और इसमें आर्मी यूनिट हमारी शोंगटोंग की जो है ऑर्डिनेंस यूनिट वो आईटीबीपी हमारे फायर का दल, होमगार्ड्स के जवान, पुलिस के जवान और 17 बटालियन आईटीबीपी के जवान इन सब ने मिलकर जो है देर रात तक जाकर जो था वो आग पर कुछ काबू पाया और आज भी वो गतिविधियां रही क्योंकि आग कुछ घरों में अभी भी सुलग रही थी तो उसके ऊपर काबू पाने के उपरांत कल जैसे हमने फौरी राहत जो थी वो प्रभावित परिवारों को दे दी थी। आज उन प्रभावित परिवारों को कंबल, राशन, बर्तन इत्यादि जो राहत की तरपाल और अन्य जो राहत की सामग्री थी वो वितरित की गई और शीघ्र अतिशीघ्र जो है उनका जितना भी राहत नियमावली के अनुसार राहत राशि बनती है वो भी उनको वितरित कर दी जाएगी।